हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है उदिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी करंटली बज रहे हैं, पता नहीं कितने बज रहे हैं, क्योंकि मैं तो छत पे आई हुई हूँ एज यूजुअल, क्योंकि मुझे छत पे आना इस टाइम पे काफ़ी पसंद। और घर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है गाइज़। आप लोग बताइए मुझे कितनी गर्मी हो रही है और आप लोग कैसे कर रहे हैं गर्मी में। बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना, मतलब देख रहे हो, नहाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो रहन दो फिर। सो गाइज, हम लोग आज एक फन डे बिताने वाले हैं और मुझे नहीं पता आज पूरे दिन क्या होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा व्लॉग कर लेते हैं। आज मैं इस व्लॉग को बेमतलब में ही कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं पूरे दिन में क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन में कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो हम इस व्लॉग को बेमतलब में ही बना रहे हैं और देखते हैं कि क्या क्या करते हैं हम इस व्लॉग को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम कुछ कार्य करेंगे जो कि मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, क्योंकि आजकल कुछ करने के लिए ही नहीं है। हम लोग आज कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जो हम डेली में नहीं करते हैं, लेकिन आज कर रहे हैं क्योंकि हमें व्लॉग बनाना है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ ये चीज़ें देखने के लिए जो मैं नहीं करती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो, समझ रहे हो ना, आप लोग समझदार हो यार, समझ जाओगे। चलो चलते हैं। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खाने की चीज़ से, क्योंकि मुझे खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी अभी बारिश हुई है और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है और हवा भी चल रही है, शीतलहर चल रही है। तो अब इस मौसम में पकौड़े खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन बनाने के लिए भी होना चाहिए कोई। और मैं और चिड़िया बीच बीच में बहुत ही आवाज़ कर रही हैं, तो सुन लो। सो गाइस, आज हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी। तो मैंने आपको बताया था कि आज हम वही करेंगे जो हमने नहीं करा है, और मैंने कोल्ड कॉफ़ी अब तक नहीं पी है और ना ही बनाई है। तो मैंने हॉट कॉफ़ी तो पी है, क्योंकि शादियों में वो मिल जाती है और घर पे भी इजी है यार। दूध में जैसे नॉर्मल दूध पी रहे हो, तो मेरे को खाली दूध का टेस्ट तो पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ी कॉफ़ी डाल लेती हूँ। तो हम आज कोल्ड कॉफ़ी बनाने वाले हैं, और मैंने यहाँ पर अपनी इस डायरी में रेसिपी वगैरह लिख ली है किसी यूट्यूब चैनल से ही देख के। मिल्क चाहिए, मिल्क ठंडा ठंडा कूल कूल कॉफ़ी, और चॉकलेट सिरप चाहिए। तो चॉकलेट सिरप का ऐसा सीन है कि वो हमें डेकोरेशन के लिए चाहिए, और डेकोरेशन के लिए मेरे पास डब्बा है चॉकलेट सिरप का, तो मैं उसे साइड में रख दूंगी क्योंकि ख़त्म हो चुका है चॉकलेट सिरप। फिर चॉकलेट पाउडर जो कि ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल तो हम पेपर में क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, तो फिर चॉकलेट पाउडर को भी। शुगर, आइस क्यूब। तो बस इतनी सी चीज़ों में बनके तैयार हो जाएगी हमारी कोल्ड कॉफ़ी, और मैं थोड़ा उसमें अपना ट्विस्ट डालने वाली हूँ, जिसके लिए मैं उस कॉफ़ी में आइसक्रीम ऐड करूँगी फॉर गार्निशिंग, एंड उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करने के लिए भी मैं उसमें यूज़ करूँगी आइसक्रीम का, और थोड़ी सी मैं डेरी मिल्क की चॉकलेट भी डाल दूँगी, क्योंकि चॉकलेट सिरप का काम हम चॉकलेट से चलाएंगे, क्योंकि चॉकलेट तो चॉकलेट है। सही बात है। तो अब हम लोग जल्दी से नीचे चलते हैं और कोल्ड कॉफ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज, अब हम लोग कोल्ड कॉफ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे विधि लिखी थी, ये दूसरा पेज खुल गया, सॉरी। तो हमको सबसे पहले हमें जो सामान चाहिए था वो मैंने रख लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक जार ले लिया है, मैंने कॉफ़ी भी ले लिया है, इसके आइसक्रीम ले लिया मैंने यहाँ पे एक, और थोड़ा बजट हमारा उतना ही है जितने के हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। और यहाँ मैंने आइस क्यूब्स ले लिया है, वैसे हम यूज़ नहीं करते पर ले लिया। यहाँ हमने ले लिया अपना मिल्क जो कि फुल क्रीम है, और इसमें झाग अच्छे आएंगे शायद। और यहाँ हमने ले लिया है 2 ग्लास, और यहाँ पे हमने ले लिया है चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट सिरप अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम गाइस, हम लोग चॉकलेट सिरप का डब्बा यूज़ करेंगे फॉर द डेकोरेशन। तो सबसे पहले हमको इस जार में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या है। अच्छा, हमको दूध डालना है, कितना डालना है, बहुत है, नहीं डालना, और डालना क्या करेगी, पूरा भरते हैं, और डाल, पागल है क्या, और डाल 2 ही ग्लास मानी हमको, और डाल, बाय बाय। तो बहुत डलवा दी भाई, बहुत ही हैवी ड्राइवर हो। नेक्स्ट हमको डालना है यहाँ पे, बिल्कुल भी हमको ना आइसक्रीम ना लास्ट में डालनी है, क्योंकि फिर ना टेस्ट आना चाहिए ना, समझ लो ना, आप समझ गए गाइस। थंबनेल, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, देख लो गाइस, भंड कर दिया हमने, बिल्कुल एकदम भर दिया है, जिसकी कोई हद नहीं है। पैसे अंदाजे से डाल रहे हैं, और डाल, अच्छी लगती है, बस।
अरे बस किशमिश। गाइस हम लोग चीनी डाल चुके हैं और अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जिसके बिना आपकी कॉफी नहीं बन सकती है वो है ये। पहला दिया मम्मी। मम्मी मार। नहीं कुछ नहीं हुआ। तू पागल है मुझे पिटवाएगा? अच्छा तो हमें थोड़ी सी आइसक्रीम ले लेंगे। ओ Zomato boy is not harmed in this video. Guys, ये मेरे को ही पीनी है तो मैं झूठी कर सकती हूँ। आप समझ रहे हो ना, आपको बनानी हो किसी और के लिए तो आप मत ले लेना। तो हमारे पास एक आइसक्रीम का डब्बा है तो हम आधी लेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं गार्निशिंग में भी यूज करनी है। और यार बड़ी डिलीशियस लग रही है तो डिलीशियस सुपर डिलीशियस शिशिशियस बना ली ना आइस क्यूब्स। हाउ टू टेक आउट दिस? या किधर डालूं? ये तो मस्त लग रही है यार। गाइज थोड़ी ना साउंड आ रही है बाहर से ना, वो ना सॉरी, ठीक है? गर्मी लग रही है यार, लाइक कर देना प्लीज। लाइक करोगे ना फिर मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा देना, उसके बाद ना आप सबको मैं ना कोल्ड कॉफी पिलाऊंगी। ये हमने डाल दिया थोड़ी सी चॉकलेट, ये थोड़ा मेसी हो रहा है गाइज बट इट्स ओके, हु केयर्स। गाइज ये क्या है? कितना डाल गुना लग रही है यार। मैं थोड़ी कॉफी पी के देखती हूँ। ये तो अच्छी लगती है यार, आप भी ट्राई करना मेरी विधि से। ओ भी तो गाइस हम लोग क्या करने वाले ना, अपने ना पापा को टेस्ट कराने वाले हैं कोल्ड कॉफी। शायद उन्होंने भी नहीं पी होगी और इसको माइंड मत करना। गाइस एक छोटा सा ना स्कैम हो गया, मम्मी ने ना वो डब्बा फेंक दिया वो चॉकलेट सिरप वाला, तो आप लगा लेना नहीं तो आप यहाँ पे चॉकलेट ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हो। पर ये बनाया है मैंने तो अब आप इसके सिनेमेटिक्स इंजॉय करो गाइस, मजा आएगा। तो बढ़िया हो रहे हैं पापा, पापा प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ। तो गाइस शुरू करते हैं अब हम लोग टेस्टिंग। हमारे पास है हमारे दो जज, सबसे पहले आप उनके स्वागत के लिए तालियां बजा दीजिए। अब हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं अपनी जजिंग। तो सर मेरे नहीं है ये सक्षम शर्मा, ये तो जानते हैं आप। 50 लाइक कर दीजिए इस वीडियो पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि हम फिर इसका मेकअप करने वाले हैं गाइस जल्दी। तो ये आप मुझे लुक में कितने नंबर देना चाहेंगे? 5 में से 5 ही देंगे हम तो। सच्ची में बहुत बढ़िया है। तो गाइस हमारी पहली चीज हो चुकी है, हमने कॉफी बना ली है और ना मेरे को लग रहा है बहुत ही टेस्टी बनी है। मतलब मैंने आज तक इतना टेस्टी कुछ नहीं बनाया, तो ना लाइक कर देना गाइस। ऐसा लग रहा है ना भगवान जी ने हमारी सुन ली है, जैसे ही मैं बोलती ना वैसे ही चिड़िया बोल लेती है। हाई हवा देख रहे हो, मैं आपको ना पौधे दिखाती हूँ आपको कैसे उड़ रहे हैं। एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारी छोटी बहन, आपका नाम क्या है बेटा? सीमा शर्मा। गाइस क्या होता है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स किसने दिलाई तेरे को ये लॉलीपॉप? मम्मा ने। पर खानी नहीं चाहिए तेरे को, पता है दांत टूट जाते हैं इससे। नहीं रात को चूसते चूसते सो जाते हैं जब टूटती है दांत। अच्छा दिन में नहीं टूटते ना? दिन में भी टूट जाते हैं जब सोते हैं। विद्दू तो बहुत सुंदर है। नकली में? नहीं नहीं सच्ची में बहुत सुंदर है। असली में भी नकली में भी? नहीं सच्ची में तो बहुत सुंदर है। तो मैं क्या बोलूं? हाँ ये अचानक से बारिश आ गई, हम लोगों को एकदम से भागना पड़ गया और अपने बाबा के बेडरूम में बैठना पड़ा। वो देखो हमारे फूल भीग रहे हैं और उनको पानी पिला जा रहे हैं भगवान। थैंक यू बोल दो भगवान जी को। भगवान जी थैंक यू। और आज मौसम बहुत ठंडा है।
अरे तो गुस्से में कैसे मुंह बनाते हैं? अब बहुत खुश हो, बहुत ज्यादा खुश हो, अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, और ज्यादा गुस्सा, और गुस्सा। इतनी भारी बारिश में नीचे जाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। जब मैं ना बाहर जाऊंगी ना, मेरे फोन में सेक्शन तो कुंडी लगा दी। हाय राम सक्षम, नहीं रुक जा, कुंडी तो लगा दे, मेरे पास कैमरा भी है। इतनी गहरी बारिश में कौन आया? गाइस हम लोग नीचे चलते हैं, इससे पहले कि हम पूरे भीग जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और इन सब की बात मान लेना, ये भी बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे, मेरे से बड़े छोटे हैं। बाय बाय गाइस, बाय बाय।